नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। स्ट्रोकेम प्लस एक ब्रांड नेम है। स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिटीकोलिन 500 mg और पिरासेटाम 800 mg होता है। स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट दिमाग में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है और दिमाग की नर्व सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट का उपयोग दिमाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट का उपयोग सिर में कोई चोट लगने पर, अल्जाइमर डिजीज होने पर, लकवा लगने पर, दिमाग की याददाश्त कमजोर होने पर, डिप्रेशन होने पर और पार्किंसंस डिजीज होने पर स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। पार्किंसंस डिजीज होने पर हाथों या पैरों का अपने आप हिलना, हाथों या पैरों में कंपन होना, हाथों व पैरों की गति धीमी होना, खड़े होने में कठिनाई होना, शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी होना, चबाने, निगलने या बोलने में परेशानी होना और मांसपेशियों में अकड़न होना आदि लक्षण पार्किंसंस डिजीज होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा आँखों में ग्लूकोमा होने पर भी डॉक्टर स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट आँखों की रोशनी को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, सिरदर्द होना, उल्टी आने का मन होना, शरीर में थकान होना, नींद न आना, दस्त होना, पेट में बेचैनी होना, पेट दर्द होना, आँखों में धुंधलापन होना, दिल की धड़कन का कम या तेज होना, ब्लड प्रेशर कम होना और त्वचा पर रैशेस होना आदि साइड इफेक्ट स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को सर्जरी से कम 2 सप्ताह पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट सर्जरी के दौरान उपयोग की जाने वाली एनेस्थीसिया या अन्य दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और सेरिब्रल हेमरेज होने पर यानी दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होने पर स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका स्ट्रोकेम प्लस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।